वहीं यूपी के लखनऊ में डीसीपी दुर्गेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन 5 आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। बता दें कि साथ ही आरोपियों के पास से टीम ने आभूषण और नकदी भी बरामद किए। लखनऊ से राष्ट्र दलवे की रिपोर्ट। यहाँ बिहार बॉर्डर पर ही इन्होंने पहली फिर एक घटना करनी कबूली है और हाजीपुर और पटना में भी इन्होंने घटना करने की बात कबूली है, जिसके संबंध में हम लोग आगे विवेचना कर रहे हैं। वहाँ के पुलिस अधिकारियों को सूचना दी जा रही है। मूल रूप से ये 5 लोग जो पकड़े गए हैं, एक राम अचल चौहान है जो मूल निवासी आजमगढ़ के हैं लेकिन वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं, जो गैंग के सरगना है और गाड़ी भी इन्हीं के नाम पंजीकृत है। एक भरत कुमार है, मनोज मजिया उर्फ शंकर और राम अचल की पत्नी राधा, ये 5 लोग घटना में शरीक रहते थे। 2 से 3 लोग ये घटना करते थे, बाकी लोग गाड़ियों में होते थे, आगे बढ़ते जाते थे और घटना करते थे।